ये बताने वाला हूँ, जो क्लेफ्ट पैलेट बच्चे होते हैं जिनके जो है कि तालू अंदर की तरफ पूरे कटे हुए होते हैं, उन बच्चों को कैसे बाटल द्वारा फिट कराया जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। जैसे ये बच्चा है, इसका जो है कि अंदर का जो कि तारू यानी कैप प्लेट है पूरी तरीके से कटा हुआ है। मैं इस बच्चे को फीड करा करके आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे बच्चे को फीड कराने के लिए सबसे पहले तो इस पोजीशन में बैठाते हैं कि ताकि 60 डिग्री पर ये बना रहे। इसके बाद से इसके पिलाने के लिए एक स्पेशल टाइप की बाटल आती है, जो आप ये देख रहे हैं बाटल, ये बाटल होती है स्पेशल टाइप की। ये बाटल है जिसका आगे का जो निप्पल होता है ये सिलिकॉन का बना होता है, बहुत लॉन्ग होता है। आम निप्पल के अपेक्षा देखेंगे इसका जो निप्पल बहुत लॉन्ग होता है। इसमें यह है कि इसके जो टिप आप देखेंगे, टिप पर एक भाग कटा हुआ रहता है, ये जो दिखाई दे रहा है ये कटा हुआ है, और बीच में उसको क्रॉस किया गया है, यानी कि दूध आसानी से बच्चे के मुंह में चला जाए। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे फिट कराया जाता है। सबसे पहले इस बाटल को खोलते हैं। खोलने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है कि कैप होते हैं, दो तरीके कैप होते हैं, जिसमें एक सिलिकॉन के जो लॉन्ग निप्पल है ये लगा होता है, और दूसरा जो है कि एक सपोर्ट के लिए ये बनाया जाता है, कैप होता है। इसमें हम दूध को भरते हैं। दूध भरने के बाद हम अच्छी प्रकार से इसे कैप कर लेते हैं। कैप हो गया। अगर आप देखेंगे इस बाटल को, अगर हम इसको उल्टा करते हैं बाटल को, जो दूध है अपने आप गिरने लगता है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अपने आप गिरने लगता है, एक समय आकर के अपने आप रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तब बच्चे को फीड कराते हैं। फीड कराने के लिए बच्चे को सबसे पहले वो 60 डिग्री जो बताए हैं उस कोण पर रखते हैं। रखने के बाद से इस बच्चे को जो जीभ है, जीभ के ऊपर हम बीचों बीच में हम रखते हैं। रखते हैं किस पोजीशन में है, जो ये बाटल है, ये बाटल के जो निप्पल है, निप्पल के दो अंगुल से पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद से जब देखेंगे ये मुंह में अंदर जाना चाहिए, वो जीभ के ऊपर, और जो जीभ के ऊपर जब जाएगा तो ये आगे से जो टिप है ये मात्र तीन सेंटीमीटर ही अंदर जाना चाहिए। उसके बाद इस पोजीशन में पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद से इसको हल्के हल्के दो उंगली से प्रेस करते हैं। ऐसे जब ऐसे प्रेस करेंगे तो दूध अंदर अपने आप जाएगा। जैसे मैं प्रेस करके दिखा रहा हूँ, ये बाटल जो है कि हमने जो लॉन्ग निप्पल है बच्चे के जीभ पर रखे, रखने के बाद से ये दो उंगली से हम प्रेस कर रहे हैं, जो बच्चा देखिए आसानी से पीने लगा। देख रहे हैं, इस दो उंगली से हमें प्रेस करना होता है। ध्यान रहे कि जो ये निप्पल है 3 सेंटीमीटर के अधिक नहीं होनी चाहिए, और ना ज़्यादा बाहर की तरफ होनी चाहिए, लगभग 3 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और आप देख लें कि अगर बच्चा दूध पीने से रोक रहा है, या क्राई कर रहा है, या दम घुट रहा है, तो हम रुक जाते हैं। उसके बाद से फिर जब बच्चा बेहतर महसूस करे फिर हम निप्पल को लेते हैं, फिर वही प्रक्रिया दोहराते हैं कि दो उंगली से पकड़ते हैं, बच्चे के जो टंग पे रखते हैं बीचों बीच में, फिर दो उंगली से प्रेस करते हैं। देखिए बच्चा अच्छी तरीके से दूध को पी रहा है। यानी पिलाने का जो क्लेफ्ट प्लेट बच्चा जो होता है, क्लेफ्ट प्लेट जो है कि बच्चों में इसी प्रकार से दूध पिलाया जाता है। पिलाने के बाद से बच्चे को कंधे पर रख करके, कंधे पर रखने के बाद से थपथपी देते हैं। तब तक हम थपथपी देते हैं जब तक कि बच्चा ढेकार ना ले लें। ले लेने के बाद से कम से कम 5 से 10 मिनट तक रखते हैं। जब अच्छी प्रकार से ढेकार ले ले उसके बाद से बच्चे को हम सुला देते हैं। सावधानी पहले नंबर, ये बाटल हमेशा साफ रहनी चाहिए। दूसरा नंबर, जो ये निप्पल है ये 3 सेंटीमीटर ही बच्चे के मुँह में जाना चाहिए। चौथा नंबर, ये जो दाबने का प्रक्रिया है ये लगातार न दाबें।
चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बच्चा दूध पीने से रोक रहा है या क्राई कर रहा है या दम घुट रहा है तो तुरंत हम फीड को रोक लें, फिर उसे बच्चे को अच्छी प्रकार से जो है कि थपथपी दे, जब अपने आप को बेटर महसूस करे फिर हम पिलाएं। मैं लास्ट तक बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।